हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी का टॉपिक, विच इज कन्वेक्स एंड स्टार शेप डोमेन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्वेक्स डोमेन क्या होती है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टार शेप डोमेन क्या होती है, और साथ में हम इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड हैं अभी तक, अगर आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी सो वो भी देख लीजिए ताकि आपके ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक्स के डाउट क्लियर हो जाए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। So what is a convex domain? A set D in the domain is called convex if for every pair of point W1 and W2 in the interior of D, D means domain, then the line segment joining W1 and W2 are also is the interior of the domain. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, हम किसी भी डोमेन के अंदर दो पॉइंट्स ले रहे हैं W1 एंड W2, तो जब हम उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो भी उसी डोमेन के अंदर ही लाई करेगी। ठीक है, a function f of c maps e onto a convex domain d, then f of c is called a convex function. A necessary and sufficient condition for a function belongs to c is. Okay, so convex domain ka basically matlab kya hota hai bachcho, convex domain ke liye aapko just ye formula jo hai wo satisfy karwana hota hai, ya ye wala formula aapne hold karwana hai ya ye second formula, dono same hai, dono mein difference kya hai, agar aapke paas koi bhi function given hai aapne uska derivative lena hai, usko z se multiply karna hai, then aapne usi function se usko divide kar dena hai, अगेन ऊपर वाला जो हमारे पास पार्ट बनेगा उसका आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है। अब जो आपके पास पूरी टर्म आई है उसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। या फिर आप ये वाली सेटिस्फाई करवा लें, या फिर हमारे पास क्या है कि जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव लें, उसको सी से मल्टीप्लाई करें, होल का डेरिवेटिव लें और डिवाइड करें उसी फंक्शन के डेरिवेटिव से, तो ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट होना चाहिए 1+z, 1-z के, यानी कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के सब ऑर्डिनेट होना चाहिए। सो दोनों में से जो डेफिनेशन आपको इजी लगे आप वो पिक कर सकते हैं। सो इन दोनों में से जो ज्यादा इजीएस्ट मेथड होगा उसी से ही मैं रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्टार शेप डोमेन। स्टार शेप डोमेन क्या होता है? अ सेट डी इन द प्लेन इन स्टार शेप विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी इफ ईच रे विद इनिशियल डब्ल्यू नॉट इंटरसेक्ट द इंटीरियर ऑफ डी इन अ सेट नॉट इन आइदर अ लाइन सेगमेंट और अ रे। ठीक है, या फिर ये हमारे पास सिंपल स्टार शेप डोमेन की डेफिनेशन है, और बेसिकली जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ सी दैट मैप्स ऑनटू अ डोमेन दैट इज स्टार शेप विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू नॉट इज कॉल्ड अ स्टार लाइक फंक्शन। अब हमारे पास स्टार शेप डोमेन की ये बेसिकली डेफिनेशन होती है, इसी तरीके से जिस तरह हमारे पास कन्वेक्स डोमेन की डेफिनेशन थी, इसमें हमारे पास स्टार शेप फंक्शन हम किसको कहते हैं कि हम अपना एक फंक्शन ले रहे हैं जिसको हम डोमेन पे मैप करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट से, तो फिर हम उस तरह के फंक्शन को स्टार लाइक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी फंक्शन जो है वो स्टार लाइक फंक्शन कब कहलाएगा कि अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसको सी से मल्टीप्लाई करें और उसी फंक्शन से डिवाइड कर दें, तो उसका रियल पार्ट हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, या फिर सिमिलरली ये जो अंदर वाली टर्म लिखी होती है ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट होनी चाहिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, सो स्टार शेप फंक्शन के लिए और कन्वेक्स फंक्शन के लिए हमारे पास जस्ट सिंपल दो फॉर्मूलाज हैं, उनको हमने होल्ड करवाना होता है। जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, रियल वाली कंडीशन को हम लेके अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो उस क्लास से बिलोंग कर रहा है। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास z डिवाइडेड बाय 1-z बिलोंग्स टू c, शो दिस, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन है एक कन्वेक्स डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन जो कन्वेक्स डोमेन से बिलोंग करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है। सो एफ ऑफ सी हमें पता है, ये वाली चीज हमारे पास एफ ऑफ सी है, ये वाला कंडीशन, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला जो है वो हमने सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ओके, सो फंक्शन क्या था हमारे पास, z डिवाइडेड बाय 1-z, उसके लिए हमने क्या करना है, एक दफा उसका डेरिवेटिव ले लेना है। जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सो ये हमारे पास 1/(1-z) का होल स्क्वायर बन जाएगा। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंपल हमने इसको डिफरेंशिएट किया है z के रिस्पेक्ट से, अब अगेन हमने क्या करना है, f डैश ऑफ c के साथ z मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूले में, सो दोनों साइड्स पे हमने z को मल्टीप्लाई करवा देना है, z मल्टीप्लाई होगा, अगेन यहाँ पे हमारे पास डिवाइड रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएट कर लेना है हमने, नीचे वाले का स्क्वायर लेना होता है, देन नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर 1+z/(1-z) का क्यूब आ जाएगा। देन हमने क्या करना है इस पूरे फंक्शन को, सो सबसे पहले हमने फंक्शन लिया था, अगेन उसका डेरिवेटिव लिया था, फिर हमने उसको जी से मल्टीप्लाई किया था, फिर ये जो हमारे पास पूरी टर्म आई है इसका अगेन डेरिवेटिव लिया है, तो ये हमारे पास चार स्टेप्स बन गए हैं।
अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने इसको एफ डैश ऑफ सी से डिवाइड कर देना है। सो एफ डैश ऑफ सी हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी का स्क्वायर। जब भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर है, जिसकी वजह से ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी। 2 और 3 पावर आपस में कट आउट हो जाएंगी, सो ऊपर हमारे पास 1 प्लस सी और नीचे 1 माइनस सी बचेगा। अब देखें ये वाला हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है, यानी कि जब भी हमें सी क्लास से किसी भी फंक्शन को बिलोंग करवाना है तो या फिर हमारे पास उस फंक्शन का आंसर रियल जो पार्ट है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, इसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो हमने बोथ साइड पर रियल अप्लाई कर देना है। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि इसका वी नो डेट इसका रियल पार्ट जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो सी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास चेक वेदर। अब हमारे पास फंक्शन किस तरह का है, z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z का स्क्वायर, और हमें ये शो करना है कि ये स्टार लाइक फंक्शन से बिलोंग करता है या नहीं। सारे स्टेप्स जो हैं वो सिमिलर ही हैं, सिर्फ स्टार लाइक के लिए जो उसका फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, z होता है। यहाँ पे k लिखा है, k लिख लें, f लिख लें, बात एक ही है, उसका डेरिवेटिव लेना होता है, उसको k ऑफ z से डिवाइड कर लेना होता है। ठीक है, सो k ऑफ z हमारे पास ये वाली टर्म है z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z का स्क्वायर। हमने क्या करना है, एक दफा इसका डेरिवेटिव ले लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है, हमने डिवाइड रूल वाला मेथड अप्लाई कर लेना है। अगेन दोनों साइड्स पे सी को मल्टीप्लाई कर लेना है और इस लाइन को आपने डिवाइड कर देना है के ऑफ सी से। ठीक है, सो के ऑफ सी से जब हम डिवाइड करेंगे, यानी कि जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी स्क्वायर से, सो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, पावर आपस में कट हो जाएंगी, सी और सी कट हो जाएगा। सो अगेन ऊपर 1 प्लस जी बच रहा है, नीचे 1 माइनस जी बच रहा है। सिमिलरली हमने दोनों साइड्स पे रियल पार्ट अप्लाई करेंगे, सो हमें पता है कि ये हमारे पास इसका रियल पार्ट ऐसा फंक्शन है जिसका रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। सो इसकी जगह डायरेक्ट हम लिख सकेंगे कि ये वाली चीज है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो यहां से भी आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पर रियल अप्लाई किया था, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है। सो यहां से हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि जो फंक्शन है k(c) जिसको हमने दिया था वो भी स्टार से, यानी कि स्टार लाइक फंक्शन से बिलोंग करता है। सो बहुत इजी सी डेफिनेशंस थी दोनों, स्टार लाइक फंक्शन की और कन्वेक्स डोमेन की। फंक्शन आपको पेपर में गिवन होगा, आपने उस फंक्शन को जस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो पुट करते रहना है। आंसर आपके पास एट दी एंड 1 प्लस z 1 माइनस सी आना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है कि 0 से ग्रेटर है। अगर आपके पास एट दी एंड ये बच रहा है तो डायरेक्ट आप कह देंगे कि वो फंक्शन जो है वो उस क्लास से बिलोंग करता है। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।